नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अप्रैल 2021 का ये गिरिराज पत्रिका का हमारा फोर्थ पार्ट है। इससे पहले अप्रैल के तीन पार्ट और अलग अलग महीनों के हम पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, और सभी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा और फेसबुक पर आपको ऑनलाइन क्वेश्चन जो है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अंडर द मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना स्कीम देर इज अ प्रोविजन फॉर हाउ मैनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत जो है वो कितने दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है। देखो, ये जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना चलाई गई है, इस योजना के अंतर्गत जो है वो 120 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये योजना जो है वो शहरी क्षेत्रों में युवाओं को जो है वो आजीविका सुरक्षा देने के लिए चलाई गई है। अब 2020-21 में जो है इस योजना के अंतर्गत जो है वो 120 दिनों का ग्रांटेड रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। और ये योजना जो था वो COVID-19 की महामारी के दृष्टिगत जो था वो चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो है वो काम करने की जो अधिकतम आयु सीमा रखी गई है वो 65 ईयर्स जो है वो रखी गई है। 65 वर्ष जो है वो अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। अब होगा क्या, इस योजना के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी जो है उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अब पंजीकरण करवाने के अगर 15 दिनों के भीतर जो है वो रोजगार नहीं दिया जाता है, वैसे गारंटेड रोजगार है कि 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 15 दिनों के भीतर जो है वो रोजगार नहीं दिया जाता है, तो शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जो है जो भी लाभार्थी होगा उसको रोजगार भत्ते के रूप में जो है वो 75 रुपये जो है वो प्रतिदिन का भुगतान करना पड़ेगा। ये भी आप याद रखिए कि 75 रुपये प्रतिदिन का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा अगर शहरी निकायों द्वारा जो है वो रोजगार प्राप्त नहीं करवाया जाता है 15 दिनों के भीतर। तो 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पहले कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है, कितने दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा, और अगर रोजगार नहीं दिया गया तो क्या प्रोविजन रखे गए हैं। वैसे जो इस बार गिरिराज पत्रिका आई थी उसमें जो था वो 75 रुपये नहीं लिखा गया था, उसमें 100 रुपया जो है था वो लिखा गया था कि रोजगार भत्ते के रूप में दिया जाएगा। परंतु अगर मैक्सिमम ऑफिशियल साइट्स पर आप देखेंगे तो वहाँ पर 75 पढ़ने को मिलता है। 100 रुपये मुझे सिर्फ गिरिराज पत्रिका पर पढ़ने को मिला और किसी भी साइट पर नहीं पढ़ने को मिला। तो एक बार इसको आप अपने आप खुद कंफर्म कर लीजिएगा सर्च करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि करोल टिब्बा इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। करोल टिब्बा जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब देखो, करोल टिब्बा की बात करेंगे तो इसके बारे में एक आर्टिकल आया। करोल टिब्बा कहाँ पर स्थित है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ये जो करोल गुफा भी इसको कहते हैं, करोल टिब्बा भी इसको कहते हैं, इसका संबंध जो है वो पांडवों के साथ जोड़ा जाता है। तो ये भी आप याद रखिए कि करोल गुफा को किसके साथ जोड़ा जाता है, पांडवों के साथ इसको जोड़ा जाता है। अब देखो, ये जो करोल गुफा है इसके बारे में एक बात कही जाती है कि करोल गुफा जो है ये हरियाणा के पिंजोर में निकलती है। अब इसके कुछ प्रमाण भी जो है वो मिले हैं। प्रमाण किस तरह से मिले हैं, अब देखो, जहाँ पर ये करोल गुफा है वहाँ पर जो है वो बाण के पेड़ होते हैं, और बाण के पेड़ के पत्ते जब इस गुफा के पानी में पड़ते हैं, जो भी यहाँ पर पानी होगा गुफा के अंदर ये पानी में पड़ते हैं, तो ये पत्ते जो हैं ये जाकर पिंजौर की एक प्राकृतिक स्रोत है पिंजौर का, वहाँ पर जाकर ये निकलते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए जो है वो कई बार जो है वो खोज भी की गई। 1982 में क्या हुआ कि जर्मनी के कुछ खोजकर्ता यहाँ पर आए थे, और उन्होंने क्या किया, ये जो करोल गुफा है यहाँ पर, यहाँ का जो पानी है इसमें कुछ रंगीन पानी किया होगा, कलर्ड पानी होगा, उस कलर्ड पानी को जो था इस पानी में मिला दिया, और ये पानी जो था ये पानी पिंजौर के प्राकृतिक चश्मे में जाकर जो था वो निकला था। और इससे ये बात साबित होती है कि करोल गुफा जो है वो पिंजौर में भी जाकर निकलती है। ये देखो, ये कहा गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल आया था, आर्टिकल में ये बातें कही गई थी, तब मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन विच ईयर पोंग डैम वॉज बिल्ट इन कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा घाटी में किस वर्ष पोंग बांध का निर्माण किया गया था। एक आर्टिकल आया था जिसमें पोंग बांध के बारे में बताया गया था। देखो, 1975 में जो था वो पोंग बांध का निर्माण किया गया था, और कहाँ पर किया गया था, कांगड़ा घाटी में किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से बात करते हैं पोंग बांध की, तो ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। अभी ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है,
अभी जो पौंग झील है, इस झील को जो है वो महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है, ये जो लैंड हुआ करती थी पौंग लैंड, ये जो है काफी फर्टाइल लैंड है। अब पौंग झील की बात करें तो ये 24,529 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो फैली हुई है। अब यहाँ से गोविंद सागर लेक के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, ये जो गोविंद सागर लेक है ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, ये तो आपको पता है। इसका काम जो था वो 1955 में शुरू हो गया था और 1962 में जो था इसका काम जाकर कंप्लीट हुआ था। ये जो गोविंद सागर लेक है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो पड़ती है। तो ये सब आप याद रखिए दो चीज़ों के बारे में, एक तो गोविंद सागर झील के बारे में, एक पौंग डैम के बारे में, पौंग झील के बारे में। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर पूछा गया है आयुष मिनिस्ट्री वॉज एस्टेब्लाइज इन विच ईयर। अब देखो, आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना कब की गई थी, तो आयुष मंत्रालय जो था इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। एग्जैक्टली कब की गई थी, तो एग्जैक्टली इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आयुष मिनिस्ट्री की बात हुई तो ये आयुष नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, आयुष जो है 5 अक्षरों को मिलाकर बना है। ए स्टैंड करता है आयुर्वेदा के लिए, वाई स्टैंड करता है योगा के लिए, बीच में नेचुरोपैथी भी आता है, और यू स्टैंड करता है यूनानी के लिए, और एस स्टैंड करता है सिद्धा के लिए, और एच स्टैंड करता है होम्योपैथी के लिए। ये जो है ये आयुष की एब्रिविएशन भी आपको याद रखनी है। अब आयुष मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर के अंडर आती है, तो ये श्रीपद नायक मिनिस्टर हैं जिनके अंडर ये आती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल हेल्थ मिशन, जो नेशनल हेल्थ मिशन था ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2013 में। और जब ये लॉन्च किया गया था तो इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये जो दोनों जो था ये दोनों मिल गए थे इसमें आकर। तो ये दो तीन चीज़ें आप याद रखिए, इसकी स्थापना कब की गई, इसका पूरा नाम क्या है, और भी जो मैंने नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में आपको बताया वो भी याद रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर HPSSC के एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करेंगे तो ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है, जब 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी एक आर्टिकल जो था वो गिरिराज पत्रिका में आया था। अगर बात करें कि 2021 में जो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम इम्पोर्टेंट है। उसकी थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर्स, तो ये जो था इसकी थीम रखी गई थी। और ये किसके द्वारा डिसाइड की गई थी, तो ये डिसाइड की गई थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, यानी कि ICOMOS के द्वारा ये डिसाइड की गई थी। एक बार फिर से इसका पूरा नाम बता देता हूँ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये जो है इसकी थीम डिसाइड करता है। अब अप्रैल महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होने चाहिए। नेशनल मैरिटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे ये इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। देखो, आयुष में हमने एच पढ़ा था कि होम्योपैथी के लिए स्टैंड करता है, तो वर्ल्ड होम्योपैथी 10 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें कि जलियांवाला बाग मास्केट कब हुआ था, तो 13 अप्रैल को ये हुआ था। उसके बाद जो है वो नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है वो मनाया जाता है। अब ये नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, ये तो नेशनल हेरिटेज डे के बाद नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे भी कहते हैं और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी कहते हैं। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये हम शायद पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। नेशनल पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों के लिए यहाँ से काम है कि कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली कितनी पंचायतें जो हैं वो हैं। और उसके बाद जो है वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए, ये इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं। सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और एक आधा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन भी। यहाँ पर पूछा गया है, विथ रिफरेंस टू द प्रोविजन मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। पहला कथन है कि द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज ग्रेन्स। केवल गरीबी रेखा से नीचे ही जो श्रेणी में आने वाले परिवार हैं उन्हीं को सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने का पात्र यहाँ पर रखा गया है। और दूसरे में कहा जाता है कि द एल्डेस्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव शैल बी द हेड ऑफ हाउस होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूएंस ऑफ राशन कार्ड। राशन कार्ड का जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला होगी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी उसको घर का मुखिया बनाया गया है। अब देखो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बच्चलम में है 2013 इसके बारे में गिरिराज पत्रिका में दिया गया था। इतना कुछ तो नहीं दिया गया था परंतु ये क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है तो पहली स्टेटमेंट को देखेंगे कि केवल गरीबी रेखा से नीचे ही जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको ही क्या सब्सिडाइज फूड दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और दूसरी स्टेटमेंट को जब आप देखेंगे तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर परिवार में कोई 18 वर्ष से अधिक की महिला है तो उसको जो है वो राशन कार्ड में मुखिया बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली टू। तो ओनली टू स्टेटमेंट जो है वो सही है यहाँ पर। देखो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है इसमें जो है वो सिर्फ बीपीएल को बीपीएल जो परिवार है उनको ही सब्सिडाइज फूड नहीं दिया जाता। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन देश की ऐसी है जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जो है वो राशन दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि सिर्फ बीपीएल ही नहीं आते हैं और भी बड़ी कैटेगरीज इसमें डिवाइड की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है लेबर डे एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन। तो लेबर डे कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो मजदूर दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 1 मई को 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये 1 मई को मनाया जाता है तो इसको मई दिवस भी कहा जाता है, मई डे भी इसको कहा जाता है। और कई कंट्रीज में जो है ये पब्लिक हॉलीडे भी जो है 1 मई को की जाती है। तो ये आप लेबर डे यानी कि मई दिवस के बारे में, मजदूर दिवस के बारे में आप याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब आप लोगों के लिए जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश केम इंटू एग्जिस्टेंस आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो भारत की आज़ादी के कितने महीने बाद हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन हमने गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।